Good morning, students. How are you? I am also fine. तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना। ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 72 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब उसमें जो रेस्ट क्वेश्चंस बच गया था, अब उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कल इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया था, है ना। अब हम 7 से बता रहे हैं आगे, ठीक है। ज्योमेट्री गाइस, क्वेश्चन नंबर सेवन है। मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यू, पिक द एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड राइट एंगल्स, ठीक है। तो इसमें से कुछ मेजर्स यानी कुछ एंगल्स के नाम दिया गया है, ठीक है। अब उनमें से तुमको बताना है कि एक्यूट एंगल्स कौन है, ऑब्ट्यूज कौन है और राइट एंगल्स कौन है। तो तीनों का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, है, इसीलिए इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। जैसे ए नंबर 30 डिग्री दिया हुआ है, बी नंबर 80 डिग्री है, सी का 100 डिग्री है, डी का 150 डिग्री है और ई का 90 डिग्री है और फिर एफ 10 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग एक्यूट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्यूट, है ना। अब ये भी क्या है, लेस देन 90 डिग्री, 80 है तो 90 से ये भी कम है, तो इसको भी लिख देंगे एक्यूट एंगल। अब यहां लिख रहे हैं मोर देन 90 डिग्री, तो जो 90 से अधिक और लेस देन 180 डिग्री, 180 से कम होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी देखो 100 से 90 से अधिक है, है और 180 से कम है, तो इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ही करते हैं। तो यहां भी लिखेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इसको जब होता है तो उसको हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं, राइट एंगल, है ना। तो यहां पर लिखेंगे राइट और ये भी लेस देन 90 है, 90 से कम है, ये भी एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, ठीक है ना। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भरना, ठीक है। तो इसमें कोई विशेष नहीं है, केवल पढ़ना है और उसको लिखना है। क्या दिया इसमें, हर एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कहे एक एंगल है जो 90 से अधिक है और 180 से लेस देन 180 और 180 से कम होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज। तो इसमें क्या बनना है, ऑब्ट्यूज पर लेना है, ठीक है। टू एंगल द सम ऑफ हुज मेजर इज ए राइट एंगल, तो राइट एंगल जो होता है आर कॉल्ड डैश एंगल, ठीक है। टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज ए राइट एंगल, ठीक है। तो दो एंगल है जो
क्या है, राइट एंगल है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एन एंगल हूज मेजर इज लेस देन 90, और जो 90 से कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, है ना। तो इसमें एक्यूट बार देना है। ठीक है, ये एक का हो गया। अब हम नाइन का देखते हैं, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग क्या बताए थे, द सम ऑफ टू एंगल्स हूज मेजर विल बी 90 डिग्री, है ना। दो कोनों को अगर हम, दो एंगल्स को अगर हम एड करते हैं, सम करते हैं, तो वह 90 डिग्री होता है ना। तो जो 90 डिग्री होगा तो उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो इसका निकालने के लिए कह रहा है, जैसे ये दिया हुआ है 45, ये नंबर 45 डिग्री दिया, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है वह कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होगा तो 90 में हमको क्या करना होगा, माइनस कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ इसको निकालना है तो यहाँ लिखना है 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यहाँ निकल आएगा, है ना। तो कितना आएगा इसका, 45, ये 45 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, बी नंबर का देखें, इसमें दिया है 54 डिग्री। तो इसमें भी क्या करना होगा, 90 में माइनस करना होगा 54 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पर 0, ये 4 है, माइनस नहीं होगा, यहाँ 10 हो गया, 10 में माइनस करती है 4, ये हो गया 6, हुआ ना। यहाँ कितना होगा, 8, 8 में माइनस किए 5, तो कितना हो गया, 3, और 30 डिग्री, है ना। तो इसी प्रकार से ये बनेगा, बन जाएगा, दो तो बता दिए, सेम इसी तरह सब में 90 में माइनस कर देना है, जो बचेगा उसको लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद है 10 नंबर, राइट द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री लिखना है, सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 180 का होता है ना। जब हम दो एंगल्स को एड करते हैं, सम करते हैं, तो उसको कितना होगा, 180 होगा। तो इसमें से दिया हुआ है, जैसे हम देखते हैं ए नंबर 25 डिग्री, ठीक है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्री। 25 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, जैसे उसमें 90 में माइनस कर देते, इसमें 180 में माइनस करना है। यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, बस इसको माइनस कर देना है ना। तो माइनस करना है यहाँ पर, ये 10 हुआ, 10 में माइनस कर दिए 5, तो कितना हुआ, 5 हो गया। यहाँ पर 8 है, माइनस 2 करना है तो 6 हो गया, और ये 1 है, यानी इतना हो गया, है ना, 165 डिग्री। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, डी नंबर, ये भी उसी प्रकार 160 डिग्री, यहां भी माइनस कर दो, 180 माइनस 160। ठीक है, इसमें हम माइनस करते हैं, 0 में 0 माइनस 0, 8 माइनस 6 2, और 1 माइनस 1 0, यानी 20 डिग्री। तो ये
जो रेस्ट क्वेश्चन बचा उसको सॉल्व करना है इसी प्रकार से, ठीक है। अब हम आगे 11 नंबर को सॉल्व कर दें। वी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल टू इच अदर इन मेजर, कह रहा है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा जो दोनों का नाप बराबर होगा। तो जब हम बराबर करते हैं कोई चीज को तो क्या करते हैं उसको टू से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखना है सप्लीमेंट्री एंगल, ये कितना का होता है 90 डिग्री का होता है ना। तो अब हम उसको पेयर निकालो, ठीक है। द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो क्या करना होगा यहां पर 90 डिवाइड बाय 2 करना, ठीक है। ये 45 हो गया ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये दोनों हो गया है ना। ये दोनों का पेयर होता है 45 45, दोनों इक्वल है, और ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार 12 नंबर में भी दिया हुआ है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री को भी उसी तरह से सॉल्व करना है, इसमें भी क्या करना है इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम टू से डिवाइड करते हैं, तो इसको भी टू से डिवाइड कर देंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री का होता है तो 180 का होता है। एंगल 180 का पता है, हाँ। इसमें भी उसी तरह लिखना है द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये 180 माइनस 2 से क्या कितना हुआ 90 डिग्री हो गया। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का दो पेयर्स बना जो कि दोनों को सम करने से और इक्वल है, दोनों का है ना, दोनों का वैल्यू इक्वल हुआ और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनता है, ठीक है। अब है 13 नंबर का सॉल्व कर देते हैं। थर्टीन नंबर में भी कोई विशेष नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए नंबर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, ठीक है। अब इसमें लिखना है कि ये सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, ये क्या है दोनों को हम प्लस करते हैं है ना, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, नीचे लिख देंगे आंसर, ठीक है। और जो दोनों को ऐड करेंगे अगर वह 180 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे सप्लीमेंट्री लिखेंगे, जैसे मीनिम पर दिया है 70 और 110 ये 180 डिग्री हो गया, इसको हम लोग लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल है ना। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला, ठीक है। थैंक यू।
ठीक कर रहे हैं।